वेलकम किया गया और साथ में अभी मॉकटेल आप ड्रिंक्स देख सकते हैं और हम लोग अभी इंजॉय करते हैं और इसका फिर इसके बाद फिर फूड का फिर इसके बाद रिव्यू बताएंगे कि कैसा टेस्ट है इसका। और हमारे साथ है आशीष भैया, आर्टिस्ट, आर्ट वर्स स्टूडियो के ऑनर। और हमारे साथ है बिहारी द ब्लॉगर, जो हमारे साथ रहते हैं, टीममेट, जो कुछ भी बोल लीजिए। और हमारे साथ है कुंदन के ब्लॉग, बिहार से ब्लॉग्स हैं, और आशीष भैया के कलीग्स हैं, साथ में फ्रेंड है सुमन जी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एंजॉय करते हैं वीडियो में। वीडियो में नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तो मैं इसका लोकेशन बता दूं तो ये लोकेशन है लक्ष्मी पेट्रोल पंप से जब उत्तर की तरफ 10 कदम आप जब बढ़ेंगे तो पीटर इंग्लैंड जो कपड़े के शोरूम है उसके एकदम अपोजिट साइड में आप जब देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर में ये मोती महल रेस्टोरेंट आपको बोर्ड दिख जाएगा। आप उसके अंदर से आप एंट्री कर सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ पे और मजे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियोस में आगे बने रहिए। यहाँ से विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे साफ सुथरा आपको सारा कुछ डाइनिंग टाइप का दिखेगा। यहाँ पे आप बैठ करके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह खूबसूरत दिया गया है। आप एक तरह से देखिए तो छत के ऊपर घास टाइप का लगाया गया है, एक तरह का नेचर का वाइब्स दिया गया है इसमें। और सामने आप देखिए एक बहुत अच्छा शीशा दिया गया कि जहाँ पर आप सेल्फी पॉइंट सेल्फी ले सकते हैं। और इधर है किचन और मैं आपको इधर लेकर के चलूँ तो इधर तो आप इधर देखिए तो इधर है मॉकटेल काउंटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉकटेल बनाया जा रहा है, मॉकटेल काउंटर है। यहाँ पे भैया मॉकटेल बना रहे हैं और मॉकटेल बनने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। फाइनली आप देख सकते हैं मोती महल ज्वेलर्स, यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट का यहाँ पे ब्रांडिंग है, लोगो है और रेस्टोरेंट का मेन्यू आप देख सकते हैं प्रीमियम टाइप का लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस 1920 जो इसके जो संस्थापक थे श्री कुंदन लाल जी, उनका एक फोटोज यहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं हिस्ट्री बारे में सारा कुछ बताया गया है, अबाउट अस इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है मेन्यू में। उसके बाद जो भी सारा कुछ स्टार्ट से यहाँ पे होता है और सबसे नीचे यहाँ पे अब जब दिखेगा बिलीव 5% सब सर्विस चार्ज इन लोग 5% ले रहे हैं लेकिन अभी छोड़ रहे हैं तत्काल के लिए। अब देख और भी जो रेस्टोरेंट है उनसे प्रीमियम क्वालिटी की मेरे को ये जो बुक टाइप की आप देख सकते हैं फाइल टाइप की बनी हुई है मेन्यू मेरे को बहुत अच्छी लगी जो मोती महल का है मेरे को। तो अभी हमारे साथ कुछ कस्टमर हैं और मोती महल रेस्टोरेंट का तो हम लोग कुछ रिव्यूज़ इनके बारे में लेते हैं क्योंकि भाई अगर हम रिव्यू देते आप तो बोलेंगे कि आप अच्छा ही बोलते हो कहीं भी जाते हो। तो भाई तो इनका पैसा लगा है और ये तो खुद बताएंगे कि इनका कैसा लगा। तो सर बताइए कि कैसा आपको बटर चिकन और क्या ट्राई कर रहे हैं सर? चिकन लॉलीपॉप इन्होंने स्टार्टर में आया था, मेन कोर्स में बटर चिकन और नान बटर नान लिए। सर आप बताइए कैसा टेस्ट आपको लगा? ठीक है बहुत अच्छा है सर। एक होता है कि टेस्ट हर जगह मिलता है लेकिन साइज और क्वांटिटी नहीं मिल पाता है। ठीक ठाक है, क्वांटिटी ठीक है और बटर चिकन भी अच्छी है और ये नान भी अच्छी है। तो यार पब्लिक रिव्यूज आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा पब्लिक रिव्यूज है इनका कि क्वांटिटी और क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कहीं और। रेस्टोरेंट बिहार शरीफ में फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है और इनके मैनेजर से हम लोग दो शब्द कुछ बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस टाइप की फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है और कहां कहां इनका आउटलेट है। सर कुछ बताइए इसके बारे में। जब हमारा देश पार्टीशन हुआ था उस बीच में कुछ ऐसे कलरी आर्ट वाले जो सेफ थे वो हमारे दिल्ली मतलब इंडिया में मूव कर गए थे। उनका नाम है कुंदन लाल गुजराल जो इस मोती महल चैन के मेन फाउंडर थे। आज भी जो इनकी सिग्नेचर डिश है दाल हो गई, दाल मखनी हो गई,
चिकन वगैरह मतलब इन्होंने ही इसको लॉन्च किया था हमारे एरिया में। यहाँ जितने भी होटल या रेस्टोरेंट लोग बना रहे हैं तो इनके जन्मदाता ही यही थे, फाउंडर ये थे। और हमारे यूनिट के कम से कम जो टीम है, जो रेस्टोरेंट है, और वह इंडियन अब्रॉड पर हमारे टोटल 120 ब्रांचेज हैं। और आज हम फर्स्ट टाइम पर बिहार शरीफ में हमारा मोती महल रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी आया है। तो फाइनली चलता है किचन के अंदर, मैं आपको किचन के अंदर का व्यू और नज़ारा दिखाता हूँ, किस टाइप का फूड प्रिपरेशन और कैसे हाइजीन मेंटेन किया जाता है या फिर कुछ भी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी किचन के अंदर। तो चलिए खाना बना रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा। और इधर चावल बनकर रेडी हो चुका है, नॉन वेज वेज नॉन वेज सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। फ्रीजर में भी है, दो डिवीजन किया गया है। और इधर है जो स्टाफ है, जो मास्टर है सही भी लोग को, यही डिसीजन करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद बोरा जी हैं। और मैंने इनसे बात किया तो सर जी 15 साल एक्सपीरियंस अपने आप को बता रहे हैं कि मैं 15 साल से कोई भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूं और बिहार स्टेट में सेवा देने के लिए अभी पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वेज का सेक्शन अलग किया गया है, नॉन वेज का सेक्शन अलग किया गया है, और फ्रीजर ओवन है, क्या ये फ्रीजर है। और आप देख सकते हैं जो काउंटर सारा कुछ है, प्याज का चॉपिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पर किया गया है। और इधर नॉन वेज बन रहा है, ये क्या बना रहे हैं आप? बटर चिकन बन रहा है। नॉन वेज की तरफ देख सकते हैं, नॉन वेज लिखा हुआ रेड में, और बटर मिला के बनाया जा रहा है। सारे कुछ मसाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप देख सकते हैं वहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए वेज है, वेज में आप क्या बना रहे हैं इसमें? दाल बना रहे हैं। ये वेज का प्रिपरेशन हो रहा है, दाल बन रहा है। और ये टमाटर को गलाया प्यूरी बनाया जा रहा है ना, टमाटर की प्यूरी यहाँ पे बनाई जा रही है। और यहाँ पे आप क्या बना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉन वेज बना रहे हैं। नॉन वेज में क्या बना रहे हैं आप? चिल्ली चिकन की प्रिपरेशन हो रही है। और स्मेल मसालेदार आ रही है, तो कुछ नाक में जा रही है, तो खांसी भी हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल है, ऑयल हीट हो रहा है। और यहाँ पे भी कुछ प्रिपरेशन किया जाएगा। और ये क्या है? पकौड़े फ्राई होगा इसमें। तंदूर है, तंदूर में आप देख सकते हैं लच्छे पराठे के लिए, नान बनाने के लिए, नान बनाने के लिए प्रिपरेशन किया गया है। रोटी बन चुकी है। और इसके अंदर क्या है थोड़ा दिखाइए, इसके अंदर खोल के। और ये आप देख सकते हैं कि तंदूर में भट्टी जल रही है, कोयला अंदर जल रहा है। और एक दो तंदूर उधर भी है। और ये मैरिनेशन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? रेसिपी कबाब। क्या है? चिकन रेसिपी कबाब जो आप देख सकते हैं कि तंदूर में जाएगा, सीख में लग रहा है इसके अंदर। और सारा कुछ है, बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन किया गया है। इधर भी आप नहीं बोल सकते यार कि गंदगी है या फिर कुछ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं कि अपना किचन नहीं दिखाने के लिए चाह रहे हैं, बट इन्होंने मेरे को किचन दिखाया। और आप भी देख रहे हो वीडियोस में कि कितना अच्छा आपको लग रहा है। सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि मेरेशन सारा कुछ कर रहे हैं, हाइजीन भी सारे लोग मेंटेन किए हुए हैं। सारा कुछ जो है ड्रेसअप, सारे कुछ जो भी स्टेप है ड्रेसअप किए हुए हैं एक। और यहाँ पे देखिए चिली चिकन बन के तैयार हो चुका है, और ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने सर्व किया। और इसमें भी डेकोरेशन करेंगे, सारा कुछ इसमें डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ करेंगे। इसमें देख रहे हैं ऊपर डाल रहे हैं, हाँ साइड में एक क्या पत्ता गोभी डाल रहे हैं। और ये क्या है? बीटरूट आप देखिए गुलाब की तरह काट करके किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद ही आपको कहीं आपको देखने को ऐसा मिला हो कि एक तरह से आपको बहुत अच्छा सजा के दिया गया हो। और सारे कुछ देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन और फ्रेश सारा कुछ तैयार करके दिया गया। और इनका जो टीम है आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी टीम है, दो चार छः आठ दस बारह लोग एक साथ एक टीम में किचन में काम कर रहे हैं। तो समझिए कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई परेशानी ही नहीं होगी, टीम वर्क इनका बहुत अच्छा होता होगा। तो फाइनली हमारा स्टार्टर आ चुका है, और आप देख सकते हैं कुछ एक नॉन वेज का आइटम यहाँ पे आया है और एक वेज का आइटम आया है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट में है। तो चलिए मैं इसका रिव्यू करता हूँ।
तो फाइनली हम लोग का एक और स्टार्टर आइटम आ चुका है, आप देख सकते हैं नॉनवेज है, तो बताइए क्या है। ये हमारा मोती महल का सिग्नेचर डिश है तंदूरी चिकन। हाँ जी, तो इसका भी ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्पेशल आइटम है वही ट्राई हम लोग का करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग को सर्व कीजिए। हम लोग का भी सर्विंग हो रहा है, तो देख सकते हैं कि चिकन लेग पीस, जो छोटा चिकन है लेग पीस आ चुका है इसके अंदर। आटे वाली रोटी जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। भाई देखो, आप हर जगह जाते हो तो आपको मैदा का मिलता है। मेरा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है कि आटे वाली रोटी यहाँ पर मिले। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और चिकन बटर मसाला सारा कुछ आ चुका है। अब हम लोग फूड को फुल एंजॉय करेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं प्लेट पूरा दिखा दो यार, टेबल पूरा आप देख सकते हैं कि सारा कुछ खाना पीना हम लोग खत्म कर चुके हैं। स्टार्टर भी खा, सारा कुछ खत्म कर चुके, मेन कोर्स भी सारा कुछ आया था। A1 क्वालिटी मैं बोल सकता हूँ कि जो फूड का जो चाहिए क्वालिटी चाहिए है। और जो बोलते हैं यहाँ कि मैं 5 में से 5.99 दूंगा, क्योंकि हर किसी को मैं परफेक्शन या फिर आप परफेक्ट नहीं बोल सकते हो। लेकिन खाना बहुत अच्छा था यहाँ पर। अब आइए यहाँ पे इन्जॉय कीजिए और अपने फ्रेंड भाई बहन और कपल के साथ यहाँ पे आइए। और यहाँ पे इंटीरियर कुछ नया दिखाया गया है कि थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि लोग देखें मेरे वीडियोज़ को, देखें और यहाँ पर विजिट करें।